बोकारो में आग से झुलसी महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हादसा बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बासगोड़ा का है। महिला के अनुसार भीड़ ने महिला को आग के हवाले कर दिया था। महिला के बेटे ने अपनी मां को बचाने की काफ़ी कोशिश की, जिसमें उसका हाथ भी जल गया। महिला का इलाज भी चला, लेकिन महिला की मौत हो गई। बता दें कि जमीन विवाद के कारण करीब 16 से 18 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा महिला ने जिंदा रहने पर आरोप लगाया। वहीं बता दें कि मृतक महिला का पति मुंबई में काम करता है। घटना में पुलिस ने जब जांच की तो जांच में पाया कि महिला ने खुद को ही आग के हवाले किया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस पूरे मामले पर जाँच कर रही है कि आखिर सच है क्या। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली कि महिला ने खुद को आग लगाई थी। वहीं महिला के बयान के अनुसार चार लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। माराफारी थाना अंतर्गत रहने वाली अनिशा परवीन के जल जाने की सूचना बोकारो पुलिस को कल प्राप्त हुई थी, और उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें जो है बीजेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उनके बयान पे दिए गए बयान के आधार पर बोकारो पुलिस के द्वारा जो है कांड दर्ज करते हुए चार लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही कुछ फुटेज इस घटना से संबंधित बोकारो पुलिस को प्राप्त हुए, और जिसके प्रारंभिक जांच के उपरांत ये तथ्य उभर कर सामने आया है कि महिला के द्वारा खुद से आग लगाने की घटना जो है पारित की गई है, और साथ ही इस घटना का जो मूल कारण है वो पारिवारिक विवाद और साथ ही जमीनी विवाद है, और इलाज के दौरान आज उस महिला की जो है मृत्यु हो गई है, और साथ में बोकारो पुलिस के द्वारा जो है अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। घंटे पहले एक महिला आई थी जो कि बांसवाड़ा की रहने वाली है, जो कि जली हुई है, तो सदर अस्पताल में भी उनको लाया गया था, तो हम लोगों ने उनका ड्रेसिंग करने के पश्चात और उनको बेहतर इलाज, चूँकि सदर अस्पताल बोकारो में बर्न यूनिट की अभी तत्काल व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको बोकारो जनरल अस्पताल के लिए हम लोगों ने रेफर किया। और मेरा चाची का बेटी सब हम लोग अकेले थे, तीन गो, ठीक है, और ये लोग सब मांझी सब आई, और छः सात आदमी, फिर 10-15 औरत सब आई, और हम लोग से सब जबरदस्ती बोलने लगी, खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो। हम लोग बोल रहे मम्मी को आने दीजिए, बात कर लीजिएगा। जबरदस्ती दरवाज़ा इधर उधर से खींच रही है, तोड़ ताड़ रही है, उधर से पूरा चारों तरफ से घर तोड़ रही है, पूरा आदमी लोग को बोल दी है कि पीछे से जाके तोड़ो। हम लोग बोल रहे कि रुक जाइए, अगर थोड़ा देर और होता तो पीछे से भी सब घर टूट सकता था। हम लोग फिर अम्मी को फ़ोन किए, फिर अम्मी आई, फिर अम्मी का आने से पहले ही पूरा दरवाज़ा तोड़ कर फेंक दी है, ठीक है, फेंक दी है। अम्मी आई, फिर झगड़ा उगड़ा की, फिर आग उग लगा दी, पूरा कुछ छिड़की और पूरा मम्मी पर आग लगा दी। मम्मी का पूरा देह जल गया है, तेल उल फेंकी थी कुछ, उसके बाद आग लगा दिया। तो कौन थे वो मांझी? नाम बता। कर्मा मांझी की पत्नी, कर्मा मांझी का बेटी, और मेरा नानी भी थी। बहुत सारी लेडीज लोग भी थी। बहुत सारे लेडीज भी थी, और मेरा नानी भी सब में मिली हुई है। बचाने की कोशिश की है, तो मेरा भी पूरा हाथ जल गया है, मेरा बाल तक में भी लग गया पूरा। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।